दिल्ली में दूसरे दिन भी सुबह से शराब के लिए लंबी कतार लगने लगी। वाइन शॉप पर भारी भीड़ कोरोना के खतरे को और बढ़ा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहित बख्शी। दिल्ली में शराब 70% महंगी हो गई। लगा दिया गया है ये बोर्ड कि भैया सरकार का आदेश है MRP पर 70% महंगी शराब मिलेगी, लेकिन फिर भी आप देखिए स्थिति क्या है। यहाँ पर जो संख्या है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इतनी महंगी शराब होने के बावजूद भी लोग पेटी पेटी भरकर शराब लेके जा रहे हैं, और साथ में किस तरीके की स्थिति है ये देख लीजिए। पुलिस का बंदोबस्त है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अफरा तफरी का माहौल है। हर जगह देखिए किस तरीके से पूरा रोड जो है इस तरीके से भरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर लोगों का कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखता है, तो कहीं इस इतनी लंबी लाइन में लोग एक दूसरे से चिपके हुए नजर आते हैं। जरा अंदाज़ा लगाइए किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पर शराब के ठेके खुले हैं तो उसके बाद स्थिति खराब होती जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कहाँ पालन हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। पुलिस को बार बार यहाँ पर इनको पीछे धकेलना पड़ता है, लेकिन स्थिति जस की तस बन जाती है। अब क्या किया जाए इनका, ये तो शायद शासन प्रशासन को सोचना होगा। लेकिन हालात देखिए, आप तस्वीरें बता रही हैं कि ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। कोरोना वायरस का खतरा है, लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके की स्थिति है आप देख सकते हैं। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। भैया 70% महंगी हो गई है शराब, कोई असर पड़ेगा? शराब 70% महंगी हो गई है। हाँ जी सर, 70% शराब महंगी लेने भी आ गए हैं आप। क्या करें सर, दादू को चाहिए शराब, चाहिए इन्हें। अच्छा, इन्हें शराब चाहिए, लेकिन ये 70% महंगी हो गई शराब, इसका कोई असर पड़ेगा? सर पड़ेगा तो जरूर, पर क्या कर सकते हैं। आप लोगों पे कोरोना का डर नहीं है? कितनी नजदीकी से 40-40 दिन देखे, बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए, कोई डर नहीं लगता? सर डर सबको ही लगता है, क्या करें, पर गवर्नमेंट ने हमारी सुनी है तो हम अपना डर हटा के खड़े हुए। पूरी तरीके से देखिए कहाँ पर क्या क्या हालात है। ऐसे ऐसे एक दूसरे पर शख्स चढ़ रहे हैं, जैसे पता है अभी यहाँ खाने की लाइन नहीं है, ये शराब की लाइन है, और शराब की लाइन में ये स्थिति है। इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, भैया कोरोना से डर नहीं लगता आप लोग? नहीं सर, लगता है सर। फिर ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों समाज के दुश्मन बन रहे हैं? पीछे वाले नहीं जा रहे हैं, समाज के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? खोल लिया तो हमारा भी दिल कर रहा है, या तो बंद ही रखते हैं इसको, या तो